गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। सो व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अभी 8 बजे से, और अभी हम लोग बस नाश्ता करने ही बैठे थे, मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर ही देती हूँ। दादा दरांती पला रहे हैं। दादा कहाँ जा रहे हो आप? कोदा गोड़ने। कोदा गोड़ने की? कोदा निकालने को। अच्छा, कोदा लेके आने के लिए। अच्छा, द्रांती को शार्प कर रहे हैं। आजकल के टाइम पे तो सबको काम करना पड़ता है, इस टाइम पे इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि सबको जाना पड़ता है खेतों में। बाकी यहाँ पे नाश्ता तैयार हो चुका है, और चाय पैक हो रही है। चाय पैक हो रही है हॉस्पिटल के लिए। ये बावले कितना खुश हो रहा है। सुना कर दे, मम्मा को सॉरी बोल दे। सॉरी कर दे, इधर देख के करो ना, इधर देख के। तैयार नहीं? हाँ तो क्या बनाया ना, मैं संभाल ले। आज नाश्ते में बनी है आलू और तोरी की सब्जी, और बाकी हॉस्पिटल के लिए तो पैक हो गया है। बाकी आप मेरा ही रहता है नाश्ता करना। पापा और निकल नाश्ता? हाँ पापा और भी, बस अब कर वो आराम से करेंगे ना। ये मैडम ने हमारे नाश्ता लगा दिया है, और अब नाश्ता करेंगे। तो दोस्तों वो तो नाश्ता कर रहे हैं, मेरा मन नहीं था इसलिए मैं सोचूं मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ। वैसे तो मेरा ऐसे ना जाने का मन नहीं करता, क्योंकि एक रात की बात होती है ना, क्योंकि ध्रुवी के बिना वैसे भी नहीं रहा जाता, और मेरा पता नहीं क्यों हॉस्पिटल में अजीब सा भी होता है। पर कोई बात नहीं, मजबूरी है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बुरा वक्त बोलते नहीं, हर टाइम नहीं रहता, थोड़ा सा आता है। और मैंने बहुत बार सुना है कि जैसे बोलते हैं कि बुरे टाइम में या तो तुम टूटना सीखो या तो तुम सहना सीखो। टूटना नहीं है, सहना ही सीखेंगे। तो कोई बात नहीं, जल्दी चला जाएगा ये टाइम भी। तो एक काम करते हैं, फटाफट मैं तैयार हो जाती हूँ। तो गाइस अभी हम फिर जा रहे हैं श्रीकोट दादी को हॉस्टल में देखने के लिए। तो आज हमारा प्लान वहीं रुकने का है यार, बुआ घर आएंगे आज। आज मैडम को अपने साथ लेके आ रहा था मैं, जाने को तैयार नहीं हो रहा, इसको पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ था मेरे परसों? तबीयत तुम्हारी खराब हुई थी परसों, बोला हॉस्पिटल में घबराहट से हो रही है। क्यों? बीपी लो हो रहा शायद। बीपी लो या कुछ और हो रहा? बीपी लो ही हो रहा, कुछ और क्या होगा मुझे अभी। यार परेशान है पागल, बुखार वगैरह कुछ? बीपी लो ही है। तो अभी हम जा रहे हैं श्रीकोट, तो आपको मिलेंगे फिर सीधा श्रीकोट में। चले गए ऊपर यहाँ से, और मैं सीधा आगे जाऊंगी रोड में, क्योंकि मेरे से ऊपर को भी नहीं चढ़ा जा रहा है। मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को ना घबराहट टाइप की हो रही, बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही आज, पता नहीं क्यों हो रही है। तो अभी मैं थोड़ा सा रह गया रोड तक जाना, पति देव आगे वहाँ से स्कूटी लेके। बाकी काफ़ी लोगों को ऐसे भी लग रहा होगा कि मैं ध्रुवी को छोड़ के कैसे जा रही हूँ। तो जब ना इंसान की मजबूरी होती है, तो उस टाइम पे सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। और बुआ है वहाँ पे दादी के साथ, तो 24 घंटे हम बुआ को भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हॉस्पिटल में तो आदमी की हालत कितनी ख़राब हो जाती है। तो हर दिन बुआ को भी नहीं रख सकते, हर दिन कन्नों को भी नहीं रख सकते। तो इसलिए हम दोनों जा रहे हैं आज, और कहीं ऐसे बोल रहे, कहते कि दोनों की जा रहे साथ में कह रहे दोनों की जा रहे साथ में, दोनों जितना जाने का ये रीज़न है। वैसे तो राहुल चल जाता, लेकिन एक लेडीज़ भी ज़रूर चाहिए। ऐसे रास्ते से ढूंढना, इतने यार रास्ते ही बहुत ज़्यादा ख़राब है यार। मैडम क्या खाना था आपको, बताओ? तो गाइस मेरे पति जा रहे हैं कुछ लाने के लिए, और एकदम से उन्होंने कैमरा खोल दिया, बहुत ज़्यादा गए। तो अभी आज दादी ठीक है, 2-4 दिन में दादी डिस्चार्ज भी हो जाएंगी, और अभी जा रहे हैं राहुल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? मान लो कुछ लाने के लिए, खाने के लिए भी। तो ये जा रहे हैं कुछ लाने के लिए, जो भी खाने को मिल जाएगा ले आना, जो भी मिल जाएगा। अभी भूख लगी है तो कुछ भी खा हो जाएगा। हाँ ठीक है। मैं तारा के लिए कुछ लेने के लिए आया था, पल्ली के लिए भी क्या है कि मेरे पास थोड़ा पैसे खत्म हो गए, तो कल मैं ATM में आया था अभी बैंक में, पहले मैं थोड़ा कैश निकाला, कल मैं कब जाऊँगा उसके लिए कुछ देखा था खाने के लिए। तो मैं श्रीनगर में आया हूँ कि श्रीकोट में, तो मुझे कुछ दिखा नहीं आता, कुछ खास मुझे पता है भी नहीं वैसे दुआ का कि कहाँ पर क्या मिलता है, कहाँ पर क्या नहीं मिलता है। तो मैं सीधा श्रीनगर आया, क्योंकि यहाँ मुझे पता है ना कि कहाँ का क्या क्या मिलता है। तो अभी यहाँ से जाता हूँ, मैं उसके लिए कुछ लेके जाऊँगा, अब देखते आगे क्या लेके जा सकते हैं उसके साथ। तो गाइस सारा के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे 2 बर्गर, और अब इनको लेकर जाते हैं श्रीकोट, और वहाँ से ले जाऊँ उसके लिए आइसक्रीम,
और उसके बाद ये हमारी घर में चलते हैं फिर से। हॉस्पिटल में पहुंच चुका हूं, तो थोड़ा ज़रा क्या है कि तारा का थोड़ा रिएक्शन चेक करते हैं कि उसे पसंद आता है कि नहीं आता है, जब मैंने बर्गर ला रखा उसके लिए, तो अभी देखते उसके रिएक्शन चेक कर देंगे। हेलो दोनों चीज लाया हुए हिमालय स्पेशल, इतनी तड़कती धूप में गया पता तुम्हें, मैं मम्मी को नमस्ते नहीं बोलना, रुको पहले ब्लॉग शुरू करना था मेरे को। इसके लिए मैं बड़ी धूप में बर्गर लेने के लिए गया था, बोला मेरे को भूख लगी और खाने दिया भी मम्मी से फोन पे लगी बात करने पर, अपनी माँ से बात करो। हाँ तो बात करो, तो खाते खाते बात कर लो ना फिर। जैसे बुढ़ी हो रही हूँ ना, मैं अपनी मम्मी की जैसे होती जा रही हूँ। दुकान चला रहे थे पति कहाँ चले गए, साहब जी यहाँ बैठे हुए हैं। किससे बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, बात कर ली हो जोशो को फोन कर ला था आपने। हाँ भाया झूठ बोल रहे, प्रणाम भाई, क्या हाल चाल है तेरे? बढ़िया, बस बढ़िया। बाबा क्यों बन रखा तू, बाबा क्यों बन रखा बाबा? सभी दादी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, तो यहीं पीछे वाले कमरे में ही है मतलब, तो यहाँ पे खुला था थोड़ा सा, हम बैठने आ गए यहाँ पे थोड़ा खुले आसमान के नीचे। भाई अंदर तो ना वैसे भी सच में जो ये बंदा, ये चीज़ मैं मानने को तैयार होगी, जो बंदा हॉस्पिटल में रहता है ना वो बीमारी होता है सच में। मेरे को वैसा फील होने लग गया कि जैसे मैं बीमार से हो रही हूँ, है ना, एक दिन में सच में मेरे को घर से अजीब सा हो रहा था। मैंने आपको बताया था सवेरे से मेरी तबीयत खराब, किसी किसी को हो जाता पागल, किसी मेरे को घबराहट होती पता नहीं क्यों होती है, नाम सुनते ही थोड़ा अजीब हो रहा था मेरे को। जब से ध्रुवी हुआ ना, जब मेरी यहीं डिलीवरी हुई थी गाइस बाय द वे, तो जब से यहाँ पे मैं डिलीवरी नहीं हुई थी उसके बाद मुझे यहाँ घबराहट होती बहुत ज्यादा पता नहीं, लेकिन पर वहाँ से बढ़िया है पता है, वहाँ बहुत अच्छा, यहाँ सफाई है ना, ये है कि यहाँ सफाई काफी ज्यादा है। जहाँ पे अभी दादी है, जहाँ पे मैं थी वहाँ पे इतनी सफाई नहीं थी, वहाँ पे सफाई नहीं हो पाती पागल, क्योंकि वहाँ पे फिर बच्चे होने का ना, वहाँ पे ज्यादा फिर लोग वहाँ ज्यादा होते हैं ना, बहुत ज्यादा आ जाते हैं। ऊपर वाली खिड़की है ना, वहाँ से हमारे सब्सक्राइबर देख रहे थे हमें, वो देख रहे थे बात है कि मैं ब्लॉग बना रही थी ना, जब अच्छा अच्छा वहाँ से देख रहे थे तारे ही तारे नीचे आएंगे अभी ना। ठीक है जाओ आप, और मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगा, मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगी ठीक है, आप जाओ अपने लिए खाना लेके आना, अभी से दादी के लिए आज बाहर से लेके आना ठीक है। मैं खाना क्यों नहीं खाऊंगी, तुम खाना क्यों नहीं खाओगे, क्योंकि मैं जूस पीऊंगी, देखो है तुम्हारा पेट उठ जाएगा। नहीं मेरे को पता क्या हो रखा है, मैंने बर्गर खाया ना हैवी हो रखा है, जूस पीऊंगी तो ठीक रहूंगा। एक बर्गर से हैवी हो गया तुम, यस बढ़िया, जूस नहीं लेके आओगे तो कोल्ड ड्रिंक ले आना, कोल्ड ड्रिंक ओके थैंक यू। ठीक है जाओ आप, जा रहे हैं थोड़ा सा पानी लेने के लिए, थोड़ा खाली बोतल भर के लाएंगे, हां बोतल भरने के लिए, यस बोतल भरने के लिए जा रहे हैं हम लोग। अब बस आज का दिन और कल का दिन, दादी लास्ट रहेंगे आज हॉस्पिटल में, और कल भी मतलब कल बुआ रहेंगे, आज हमारे साथ दादी का लास्ट दिन है, उसके बाद फिर परसों दादी डिस्चार्ज हो जाएंगी, परसों मतलब दादी को डिस्चार्ज कर देंगे। ये इतना अच्छा लग रहा ना, अब तो दादी आराम से बोल रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, सब कुछ हो रहा है अच्छे से, तो बहुत अच्छा लग रहा। और चलो पानी लेके आते हैं, फिलहाल पानी लेने जा रहे हैं, मत करना। तो गाइस पानी तो हम लोगों ने भर दिया है, काफ़ी ठंडा पानी भी है, बट मेरे को तो यही टेंशन हो रही थी आज की, आज वहाँ पे सोने जहाँ पे हम पहले थे दादी जहाँ जिस वार्ड में पहले थे ना, वार्ड में क्या था कि वहाँ पे सोने सोने के लिए था, आराम करने के लिए था, थोड़ा सा कमर सीधी करने के लिए, इस वार्ड में कुछ नहीं है सोने सोने के लिए, और मुझे अपने नहीं अपने पति की टेंशन हो रही है, क्योंकि वो अगर सोते नहीं ना उनका सर दर्द होता है, वो भी दिक्कत है एक, वो तो बंदा भी अलग ही है, वो रात को फ़ोन भी नहीं चला सकता, उसको तब भी सर दर्द होता है, तो देखते हैं। तो मेरी
इतनी फिक्र की, तुम्हारी फिक्र नहीं होगी, किसी फिक्र होगी तो मैं को, मैं तो फिर भी दिन में मैंने दवाई खा रखी थी ना, तो मेरे को नशा सा चढ़ा, मैं दिन में फिर भी एक घंटे से ऊपर मैंने आराम किया थोड़ी देर, दो घंटे, एक घंटे बाबू दो घंटे तो मत बोलो आप प्लीज झूठ, एक घंटे भी नहीं किया पहले तो। आइसक्रीम कैसे हुई? आइसक्रीम ठीक हो रही, पर बाहर तो थोड़ा ठीक, यहाँ भी तो हवा नहीं चल रही यार, बाहर भी पत्ते देखो एक पत्ता नहीं हिल रहा, कहाँ से लेगा पत्ता यार? मैं तो कह रही भगवान हॉस्पिटल का दिन ना किसी को भी ना दिखाए, हट वो तो हम बोल रहे हैं यार ना दिखाए, लेकिन यहाँ आए दिन पता नहीं कितने मरीज आते हैं, कितने लोग आते हैं, यहाँ देख कैसा लगता है हॉस्पिटल, देख कैसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया यहीं भरी हुई है, जिसको भी देख रहे फ्रैक्चर, जिसका अब जिस वार्ड में हमें, तो वहाँ हमें ऐसा लग रहा जब दादी गिरी तो हमें ऐसा हुआ था कि यार क्या होता है हमारे साथ, क्यों होता है ऐसा, अब जब वहाँ देख रहे हो ना मरीज ऐसे सबके, किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का पैर पे फ्रैक्चर, किसी का कुछ फ्रैक्चर फ्रैक्चर ऐसे हो रखे हैं सबके, इतना वो हो रहा है कि यार सबके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, चलो कोई नहीं, कभी कभार जिंदगी तो जिंदगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसी चलेगी, चलो बाय बाय, चलो उठो यार, चलो मैं जा रहा, चलो। तो गाइस मेरी आइसक्रीम खत्म, और अब मैं तारा की खाऊंगा, तारा की खाऊंगा तारा आइसक्रीम मेरे खाए बिना चैन नहीं आता, वो आइसक्रीम भी अपनी पसंद की लेके आई, ये भी अपनी पसंद की लेके आए, और मेरे को बोल के गए कि तेल कौन से लेके आऊं, एंड मैं अपनी पसंद की लेके आता क्योंकि खाने तो इन्होंने होती है, छीन ली मेरी आइसक्रीम, मिल गई होगी शांति, उठ जाओ चलो, चलो बाबू ना दादी को डायपर पहनाने, चलो उठो।